हेलो फ्रेंड्स, सीखो सिखाओ ट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल के एग्ज़ाम में 2 अगस्त 2023 को, यानी कि एसएससी सीएचएसएल के पहले दिन ही तीसरी शिफ्ट में जो जीके जीएस के क्वेश्चन आए थे उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के जीके और जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, ताकि अगर जो कैंडिडेट्स आने वाले शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको थोड़ा आइडिया लग जाए किस टाइप का एग्ज़ाम हो रहा है, और जो देख रहे हैं वो उनको अपने आंसर वो मैच कर लें। तो देखिए, तंजोर का मंदिर कहाँ पर है? वेर इज तंजोर टेम्पल? तो तंजोर जो मंदिर है ये है तमिलनाडु में ही मीनाक्षी टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है, और ये मदुरई में है। आमतौर पर तमिलनाडु राज्य है, मदुरई जगह है। अब मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? मनसबदारी जो प्रणाली थी, मनसबदारी जो सिस्टम था, ये किसके द्वारा शुरू किया गया? ये मुगल शासक अकबर के द्वारा शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एक्ट्रेस हैज अवार्डेड पद्म भूषण इन 2011? 2011 में पद्म भूषण किस एक्ट्रेस को मिला है? तो ये मिला है वाहिदा रहमान को। आगे चलते हैं, आर्टिकल 42 इज रिलेटेड टू, आर्टिकल 42 जो है, अनुच्छेद 42 का संबंध किस चीज से है? आर्टिकल 42 जो मानवीय परिस्थिति और मातृत्व राहत के प्रावधान से संबंधित है। विच टेस्ट इज फॉर स्टार्च प्रेजेंस? तो साइंस का क्वेश्चन है कि स्टार्च, अगर आपको चेक करना कि किसी चीज़ में अगर स्टार्च है तो कौन सा टेस्ट आप करेंगे, तो देखिए उसके लिए होता है आयोडीन टेस्ट। आपको करना क्या, आयोडीन टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम आपको करना क्या, कोई भी खाद्य पदार्थ, मान लीजिए फूड आइटम है, ठीक है, कोई भी फूड आइटम है, उस फूड आइटम को अगर आप आयोडीन के सोल्यूशन में डाल देते हैं, आयोडीन के सोल्यूशन में उस फूड आइटम को डाल देते हैं, तो उस आइटम का जो कलर है, जो रंग है, वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, काला नीला हो जाता है। तो आयोडीन घोल में काला रंग हो जाता है, फूड आइटम का आयोडीन घोल में अगर डाल देंगे तो काला रंग हो जाएगा, इसका मतलब उस फूड आइटम के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर 2011 सेंसस, 2011 के सेंसस के अनुसार, जनगणना के अनुसार, विच स्टेट हैज एसटी पॉपुलेशन मैक्सिमम? किस राज्य की जो एसटी की जो पॉपुलेशन है मैक्सिमम है? तो मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार जो एसटी की पॉपुलेशन मैक्सिमम है। अब वैन गदर मूवमेंट स्टार्टेड, गदर आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो गदर आंदोलन अमेरिका में 1913 में शुरू हुआ था, लाला हरदयाल के द्वारा शुरू किया गया था। अब DGCA न्यू डायरेक्टर जनरल जो जनवरी 2023 में अपॉइंट किए गए, उनका नाम पूछा गया था, तो विक्रम देवदत्त जो है DGCA डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के नए डायरेक्टर जनरल है। विच स्टेट हैज मैक्सिमम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज? आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा गया था, कौन सा किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो उड़ीसा झारखंड के जो राज्य हैं उनमें होते हैं। थोड़ा मेरे को डाउट हो रहा है, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या इसका आंसर उड़ीसा आएगा या कुछ और आएगा? अब उड़ीसा झारखंड और छत्तीसगढ़ में से मेरे को डाउट है, क्योंकि किस राज्य में है और कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो उसमें डिफरेंस है। वेर इज द वाइल्ड एस सेंचुरी? वाइल्ड एस सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये है, यानी कि जंगली गधा जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? ये है गुजरात में। अब एक क्वेश्चन था, विच डांस इज डन बाय आदि ट्राइब इन अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश में आदि जनजाति के लोगों के द्वारा कौन सा डांस किया जाता था? वो किया जाता था टापू डांस। तो ये कुछ क्वेश्चन जो SSC CHSL के एग्जाम में 2 अगस्त 2023 को तीसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।